दिल्ली कभी इतनी बेबस, इतनी बेचारी, इतनी बदहवास और इतनी मायूस नहीं दिखी। उदासी का ऐसा मंजर भी कभी नहीं दिखा जब हर एक सांस पर शक है कि आखिरी होगी। दिल्ली में अस्पतालों के भीतर और बाहर हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बेबसी का राग गा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हो रही है। हमने हाँ, दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। मरीज कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तीमारदार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही और अब तो मंत्री मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो फिर ऐसे हालात में कैसे बचेगी आस, कैसे बचेंगी सांस, कैसे बचेंगे अपने, कैसे बचेंगे सपने। जहां से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, शायद चिट्ठी से कुछ हो जाए। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि बताइए, 8 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिली थी, अब तक एक भी क्यों नहीं लगाया गया। तो एक साल आपको वक्त मिला था, पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक आपने कुछ क्या नहीं किया। अब आपको लेटर लिखनी पड़ी और ये भी ब्रेकिंग न्यूज है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे, 8 में से जो एक ही लगा है, उसका क्या हुआ। ये बहुत नीची राजनीति है और ये राजनीति से सिर्फ लोगों को सफर हो रहा है, लोग ही सफर कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि देश में पीएम केयर फंड से 551 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। मगर सवाल ये है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इतनी देर क्यों की गई। अगर ये ऑक्सीजन प्लांट अब तक लग गए होते तो शायद इतना हाहाकार नहीं मचता। यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि एक साल से पीएम क्या कर रहे थे। जिनके परिवार का सदस्य मोदी जी मर गया ऑक्सीजन की कमी के बगैर, उनके लिए ये राहत नहीं कि आप क्या लगाएंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। सवाल यह है कि एक साल में आपने क्या किया और एक साल में सिवाय जीरो के दिखाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ नहीं। बहरहाल इस राजनीति के बीच बता दें कि दिल्ली के मॉडल टाउन में पेंटामेड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ करीब 50 मरीजों की जान खतरे में है। अस्पताल में 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 45 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर। मैं दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद हूँ और हमारे पीछे आप पेंटामेड जो अस्पताल देख पा रहे हैं, इस अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत आ गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अब सिर्फ आधे घंटे तक के लिए ऑक्सीजन जो है वो अस्पताल में बची है, और जबकि अस्पताल में 50 के करीब जो कोरोना के पेशेंट हैं वो मौजूद हैं। ऐसे में काफी अस्पताल में अफरातफरी का माहौल है। हालात बिगड़े हुए हैं और इन बिगड़े हुए हालात में सवाल बनता है कि हमारे नीति नियंताओं ने पहले से लोगों की जिंदगी बचाने की तैयारी क्यों नहीं की थी। दिल्ली में राम किंकर सिंह, अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।